गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टार्ट टॉपिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज सिचुएटेड एट नियरली सेंटर ऑफ एनिमल सेल। इट इज कंट्रोल्ड द ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल, सो इट्स ऑल्सो नॉन एज ए ब्रेन ऑफ सेल। ये सेल की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसलिए हम न्यूक्लियस को कभी कभी कह देते हैं ब्रेन ऑफ सेल। इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन नॉन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें एक बाहर की तरफ होती है उसको हम कह देते हैं आउटर मेम्ब्रेन, एंड अंदर की तरफ जो होती है उसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इट हैज न्यूमेरस पोर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। दे ट्रांसफर द मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस कॉन्टेन क्रोमोसोम्स, दे विच आर विजिबल एज रोड शेप स्ट्रक्चर ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। न्यूक्लियस कंटेन जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोप्लास्ट। इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस इज ए राउंड शेप स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस। इट्स आल्सो नोन एज ए फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। क्रोमेटिन इज एन एंटा एंगल्ड नेटवर्क ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इट कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। तो यहाँ पर यदि ध्यान से हम इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ देखिए इट इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। बाहर की जो मेम्ब्रेन है इट इज नॉन एज ए आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसे हम कह रहे हैं इनर न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि नेट बना रहे हैं, इट इज नॉन एज ए क्रोमेटिन नेट। और यहाँ पर ये जो एक स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इट इज नॉन एज ए न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है इट इज नॉन एज ए न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस पर छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इट इज नॉन एज ए न्यूक्लियर पोर। यहाँ क्रोमेटिन नेट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये क्रोमेटिन नेट टूट जाता है और रॉड शेप स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम। यहाँ पर जो केंद्रक है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, ये सेल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, सेल की समस्त ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसलिए कभी कभी हम इस को ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी कह देते हैं। अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की, तो नंबर वन, न्यूक्लियस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब एक से दो सेल बनती है, दो से चार सेल बनती है, तो उस समय न्यूक्लियस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो डायरेक्शन देता है। नंबर टू, इट डिटरमाइन द सेल्स सेल डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी बाई डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जब सेल डेवलपमेंट कर रही होती है, मैच्योर हो रही होती है, तो उस समय भी वो डायरेक्शन का काम करता है न्यूक्लियस। इट हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स, ट्रेट्स मीन्स करेक्टर, फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इसके अंदर न्यूक्लियस का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो प्रीवियस जनरेशन है जिसको हम कह रहे हैं पेरेंट जनरेशन, उसके अधिकांश जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो उसमें चले जाते हैं। फोर्थ, इसका जो रोल है वो ये है, इट कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल।
सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ब्रेन ऑफ सेल। कुछ इसके बारे में अगर न्यूक्लियस के बारे में हम देखें तो हम कह सकते हैं इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया अनडिफाइंड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट। ये न्यूक्लियर रीजन, इस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, या हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं मिलता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ऐसी स्थिति में हम इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, NUCLEOID, न्यूक्लियोइड। ठीक है, ऑर्गेनिज्म हूज सेल्स लैक ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उन्हें हम सिंपली क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये एक प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, जस्ट लाइक इट इज ए प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सब्सटेंस, इट इज सिचुएटेड बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट कंटेन्स मैनी सेल ऑर्गेनल्स, ईच ऑफ विच परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। इस साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं कि बहुत सारे लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं, और अलग अलग काम करते हैं वो। ठीक है, और स्पेसिफिक फंक्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लास्ट, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो जेले एक स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इन दोनों को मिलाकर हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इट मीन्स प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। अगर फंक्शन की बात करें साइटोप्लाज्म की, फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म की, इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स के मध्य जो मैटर का एक्सचेंज होता है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही होता है। नंबर दो, इट एक्ट एज ए स्टोर हाउस ऑफ विटल मॉलिक्यूल सच एज अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन एक्सेट्रा। तो अमीनो एसिड, ग्लूकोज और विटामिन, ये इनको स्टोर करने के काम में आता है साइटोप्लाज्म। इट एक्ट एज द साइट फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे सच एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज द स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन। एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन का एक कॉमन पाथ है, और ये ग्लाइकोलाइसिस जो मेटाबॉलिक पाथवे है ये कहाँ होता है, कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सेल ऑर्गेनल्स की बात करें बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि इन साइटोप्लाज्म देर इज सो मैनी लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म के, सेल के साइटोप्लाज्म में जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं उन्हें कहते हैं सेल इंक्लूशंस। क्या कहते हैं, सेल इंक्लूशंस। दीज सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म स्पेसिफाइड फंक्शन। ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं एक स्पेशल प्रकार का काम करते हैं, इनका सभी का अलग अलग काम होता है। फॉर सेल सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेटस, लाइसोसोम एटसेट्रा। तो यहाँ पर हम छह कंपोनेंट ले रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ membrane bound tube and sheets. It extend from outer nuclear membrane into the cytoplasm. Outer nuclear membrane से मतलब है बच्चों, यहाँ पर ये nucleus की outer nuclear membrane है, और इस तरह से ये extend एक structure है
इस स्ट्रक्चर को ही हम कह रहे हैं एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। अंडरस्टैंड, ये ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म। इट अकर इन थ्री फॉर्म्स, ये तीन फॉर्म में मिलती है, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स, ट्यूबुल्स। एंडोप्लाज्मिकल रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम शॉर्ट बोलते हैं RER और इसको बोलते हैं SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट कंटेन्स राइबोसोमल राइबोसोम पार्टिकल्स ड्यू टू विच इट्स रफ। इसकी सरफेस पर ग्रेन नुमा, छोटे छोटे पार्टिकल नुमा इस तरीके स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। दीज आर राइबोसोम। ये राइबोसोम, इसलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सी? रफ, RER, ठीक है। और जिसमें राइबोसोम नहीं होते उस हम सिंपली क्या करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पर देखिए, द राइबोसोम आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है। और इट इज ए बिल्डिंग मटेरियल। ये क्या है? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? इट इज ए बिल्डिंग मटेरियल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट्स सरफेस इज स्मूथ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, द राइबोसोम प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स एक्ट एज ए साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। फैट एंड लिक्विड मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चर्ड बाई SER हेल्प इन मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन के बनने को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। SER प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स इन लिवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स। एंड फोर्थ एंड लास्ट, इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।